अंधेरा है थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम बैक टू माय व्लॉग। थोड़ा सा रोज़ा चल रहा है तो रोज़े की वजह से थोड़ा सा देर में सोना हो रहा है सहरी करके। एक मिनट। तो अभी बस उठा हूँ, सहरी किया था, सहरी करके देर में सोया। सो देर में उठना पड़ता है, और वैसे भी दिल्ली में भी चल रहा है लॉकडाउन चल रहा है दिल्ली में, तो ऑफिस का भी काम सारा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो यही फ़िलहाल सीन है। चलिए मैं थोड़ा सा पहले फ्रेश व्रेश हो जाऊँ, नहा धो लूँ, फिर आगे मिलते हैं भी आपसे। तो गाइस यार आया हूँ पार्क में, क्योंकि घर में बैठे बैठे ऊब चुका हूँ यार। ये लॉकडाउन ना परेशान कर दिया है। लास्ट ईयर के सेम चीज़ लास्ट ईयर वाली सीन क्रिएट हो रही है अभी इस बार भी। तो वर्क फ्रॉम होम में भी क्या होता है यार, कितना आदमी बैठ के घर से काम करेगा। एक बार जब होता है कि चलो आदमी थोड़ा सा ऊब जाता ना रेस्ट लेने के लिए, तो आदमी बाहर निकल जाता। तो थैंक गॉड कि मेरे साथ ये बेनिफिट है कि मेरे घर के सामने जस्ट पार्क है, तो मैं पार्क में निकल के आगे थोड़ा सा 2-3 राउंड लगाऊंगा, फिर घर जाऊंगा, फिर अपना काम शुरू करूंगा, फिर अगर थक जाऊंगा, टायर्ड हो जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा, फिर निकल के पार्क आ जाऊंगा। फिलहाल आप लोग पार्क देखिए एक बार, ये है, ये पार्क है मेरे एरिया का, जहाँ पे थोड़ा टाइम पास हो जाता है इस पैंडेमिक में। सो जब कोविड का ऐसा कोई सीन नहीं था तो बच्चे भी सारे यहाँ पे दिन भर मतलब खेलते थे, क्योंकि अब तो समर वेकेशन भी होने वाला है। सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैंने भी यहाँ पे एक टाइम था बहुत खेला बच्चों के साथ, क्योंकि मैं तो इस एरिया में काफ़ी टाइम से 2005 से रह रहा हूँ। चलिए, धूप तेज़ है पर मास्क भी ज़रूरी है। मास्क लगाओ तो लेकिन ऐसा लगता है अंदर पूरा पसीना हो गया। अब तो ऐसा लगता है कि मास्क जो बने ना, मास्क के अंदर भी वाइपर होना चाहिए ताकि अंदर वो ऐसे ऐसे पोंछता रहे। चलिए थोड़ा कहीं होकर आते हैं। बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम में अभी उतना काम भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। बहरहाल कॉलोनी में तो राउंड लगा ही सकता हूँ गाड़ी से। सोच रहा हूँ थोड़ा सा आगे तक चलता हूँ, एक राउंड लगाता हूँ, सॉरी हाथ बीच में आ गया, एक राउंड लगाता हूँ। रोड पे तो जा नहीं सकता हूँ, कॉलोनी में रहूँगा, क्योंकि रोड पे गया पुलिस वाले रहेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, 56 क्वेश्चन करेंगे, तो बेटर है कि अपनी थोड़ी सी इस बुरी को दूर करने के लिए थोड़ा आगे तक चलता हूँ, क्योंकि तो मेरा एरिया बहुत बड़ा है, अंदर कोई दिक्कत नहीं, अंदर गाड़ियाँ चल रही हैं, आ रही जा रही हैं, बट रोड पे नहीं निकल रही। तो मैं भी बस सोचा उसे चलता हूँ थोड़ा एंड तक, चलता हूँ कॉलोनी के, वहाँ से एक राउंड लगाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। चलिए चलते हैं। सो एक प्रॉब्लम ये भी होती है मेरे साथ कि जब मैं गाड़ी निकालता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखिए ये पत्थर है, ये दोनों, ये और ये पत्थर, तो इन पत्थर को मुझे यहाँ पे लगाना होता है गाड़ी के सामने, ताकि कोई और गाड़ी की पार्किंग ना आ जाए। ठीक है, जैसे ये मैंने लगा दिया पत्थर, अब ये मेरी पार्किंग हो गई रिजर्व, अब यहाँ पे कोई नहीं आ सकता। चलिए चलते हैं एक छोटी सी राइड में, जिससे थोड़ा सा आप लोग का भी मन भर जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा मूड सही हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी बैठे बैठे भाई पक चुका हूँ।
तो भाई मैं ना रहा हूँ कि कोई पुलिस वुलिस वाला ना रोके, क्योंकि वैसे टेंशन की बात नहीं है, मैं अपनी कॉलोनी में हूँ, बट फिर भी पुलिस रहे कैसा सन्नाटा है। मतलब इस पैंडेमिक ने हर एक किसी को तोड़ दिया है। मतलब जो बेचारे लेबर क्लास के हैं या बिजनेसमैन हैं, सबको दिक्कत हुई है। मैं अभी आप गड्ढे में कूद गई क्योंकि मोबाइल पे निगाह है, गड्ढा दिखाई नहीं पड़ा। वेल कोई नहीं, ये आ रही वॉली मार्केट। देखिए कैसी खामोशी है, सन्नाटा है। कोविड का खौफ, लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, जो कि ज़रूरी भी है। गड्ढा है, तो चलिए मैं दूसरी साइड चलता हूँ। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि सर्विस लेन में चलूँ, ताकि मैं आपको रोड का भी दिखा सकूँ। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी गाड़ी में एयर कम है, चारों टायर में एयर कम है, थोड़ा गाड़ी ढप ढप हो रही है। तो अगर कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, अगर अंदर अंदर निकल लेता हूँ पेट्रोल पंप तक, तो वहाँ से पेट्रोल पंप से एयर डलवा लूँगा। क्योंकि तो अभी तो गाड़ी खड़ी रहना है ना, गाड़ी तो निकलना तो है नहीं, नहीं निकलेगी तो गाड़ी के एयर तो निकलेगी ना। कोशिश करते कम से कम मेरी गाड़ी में एयर तो आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना, ऐसा ना कि एकदम से एयर निकल जाए खड़े खड़े, फिर चलने के लायक भी ना बचे गाड़ी। बहरहाल ये देखिए, ये रिंग रोड है। यहाँ पे भी जो मूवमेंट है गाड़ियों का उतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। अमूमन टाइम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती रोड पे, बट आजकल नहीं है, बिकॉज लॉकडाउन चल रहा है। मंडे तक का लॉकडाउन है ही यहाँ पे। तो मैंने अभी एक काम किया, ठीक है, मुझे पुलिस वाले भैया मिल गए दो, तो मैंने पहले उनसे पूछ लिया, सर मुझे गाड़ी में अपने एयर लेना है, मैं जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? बोला कि नहीं नहीं आप जा सकते हो, बट मास्क लगा के रखना, क्योंकि मास्क ज़रूरी है, बिना मास्क के जाओगे तो कोई रोक लेगा। बट ऐसा कुछ नहीं, आप बोल देना कि कोई रोकता भी, कोई पुलिस वाला, तो बोल देना आप कि आप एयर लेने आ रहे हो, पेट्रोल लेने आ रहे हो, तो कोई आपको रोकेगा नहीं, बिकॉज वो सबकी ज़रूरत है। तो मैं अब जा रहा हूँ, कम से कम एटलीस्ट मैं एयर तो ले लूँ, फ्यूल तो चलो काम भर का है, क्योंकि फ्यूल की इतनी ज़रूरत भी नहीं है, अभी निकलना तो है नहीं, ज़रूरत है एयर की, जो मुझे कम लग रही है चारों टायर में, दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फिर गाड़ी घसीटना मुश्किल है ना। और ऐसा तो है नहीं कि कोई मैं साइकिल वाले पंप से भरूंगा उसमें, उससे तो हवा भरनी भी नहीं है। ये देखिए, ये है मूलचंद, और अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ ये दिखेगा आपको मूलचंद पराठे वाला, जो दिल्ली का मशहूर पराठा है, या दिल्ली का है, या साउथ दिल्ली का कह लीजिए, साउथ दिल्ली का मशहूर पराठा है। यहीं बगल में संजय चूर चूर नान भी है, ये देखिए, और ये पराठा मूलचंद, और यही है ये मूलचंद मेट्रो स्टेशन। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, क्योंकि रोड पे आ रहा हूँ, आई होप फिंगर क्रॉस कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि मैं मास्क लगाया हुआ हूँ, वो बहुत दूर मैं जा नहीं रहा हूँ। ये जो रोड जाती है सामने, ये जा रही है साकेत को ऊपर, और ये नीचे से जो जाएगी ये वाली, यहाँ से मैं यू टर्न ले लूँगा, तो ये सामने पेट्रोल पंप है, यहाँ मुझे आना है एयर लेने। तो ये लोचा हो गया है, क्योंकि जो एयर डालते हैं, नहीं नहीं है 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 लोचा नहीं है, है भाई साहब है, थैंक यू। सो आ गया हूँ भैया, 29 डालना भैया, इनको बताना ज़रूरी होता है कि अगर ये ज़्यादा डाल देंगे तो वो दिक्कत है, क्योंकि आजकल धूप हो रही है, और धूप में ज़्यादा गाड़ी में प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो आपको जो लिमिटेड है, जो मिनिमम है, जो दिया गया है उतना ही रखना चाहिए। एक्चुअली में इसमें तो दिया गया शायद 30 या 31 दिया गया, बट मैं 29 से ज़्यादा मैं नहीं भरवाता हूँ, बिकॉज गर्मी में धूप की वजह से रोड की जो गर्मी होती है उससे टायर बस्ट कर सकता है, वो फट सकता है। तो सेफ्टी आपके हाथों में है, समझदारी दिखाएं, उतनी ही एयर लें जितनी ज़रूरी है। चलिए यहाँ से यू टर्न लेके वापस से अपने सोसाइटी में घुस लूँगा, भलाई उसी में ही है।
चलिए। ये मैं जा रहा हूँ अपनी सोसाइटी में। सो फाइनली मैं घर पहुँच चुका हूँ सेफली, थैंक गॉड, कुछ हुआ नहीं। और एक मिनट, ये मेरा कपड़ा है, चलो अब देख ही लिया तो देख लो आप लोग, ठीक है। और ये मेरा सामान जहाँ मैं रखता हूँ। बहरहाल अभी के सीन ये है, एयर ले लिया है, पेट्रोल ले लिया है, गाड़ी कवर बहुत गंदा हो गया था क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है, कवर ढका रहता है तो बीट चिड़िया लोग आती हैं, बर्ड्स आती है, वो बीट करके चली जाती। चिकना कमरा होता था, अपन क्या करते थे जब मम्मी पापा कहीं चले जाते थे ना, पानी को पूरा फेंक देते थे पूरा एक बकेट, फिर उसी में स्लिप करते थे, तो ऐसा फील होता है कि हम स्विम कर रहे हैं। सो टास्क कंप्लीटेड, कवर धो दिया है, डाल दिया है इसके ऊपर, सूख जाएगा। सो अभी मैं निकलता केले लेने के लिए। अब केला मैंने इसलिए लिया कि मैं इसका बनाऊँगा बनाना शेक। कल रात एक केस हो गया था, कल मैंने बनाया था कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद नींद तो ऐसे ही उड़ गई कि पूछो नहीं, सुबह 4 बजे नींद आई है। बट आज बिल्कुल भी प्लान नहीं है, आज कॉफ़ी नहीं, आज बनाना शेक पिया जाएगा। टाटा, बनाना आ गया है, अब बनेगा शेक, जिसको मैं पीऊँगा, मेरे नेबर पियेंगे और मेरा एक फ्रेंड और पिएगा, बिकॉज साथ में खाना पीना थोड़ा अच्छा लगता है, और रमज़ान में तो वैसे भी अच्छा लगता है जब गैदरिंग होती है, और मेरे लिए तो इसलिए ज़रूरी क्योंकि मैं घर से दूर हूँ, और रमज़ान में जब साथ में लोग खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज शेक बनाते हैं और पड़ोसी के चलते हैं, वहीं पर बैठ के हम बनाना शेक पियेंगे। लाइक मैंने कल उनको कॉफ़ी पिलाई थी, एक्चुअली मैंने पिलाई थी कल कोल्ड कॉफ़ी, और उनको भी पिलाया था, जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ गई। वो सुबह मुझसे कंप्लेन कर रहे कि भाई साहब आपने कौन सी कॉफ़ी पिला दिया कि मेरी रात की नींद उड़ गई। वो रात एक्चुअली लेट नाइट वो सोए हैं, 3-3:30 बजे सोए हैं। तो आज नो कॉफ़ी, ओनली बनाना शेक, कल का कुछ और देखा जाएगा कल क्या पियेंगे। देखिए कितनी बदली सी बारिश आ गई गाइस, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, भाग लेने में वाला ही है। तो चलो गाइस, बारिश शुरू हो चुकी है, तो मतलब इसका ये है कि मुझे पेड़ में पानी नहीं देना पड़ेगा, अब वो पानी अभी ने खुद ब खुद मिल जाएगा और पेड़ साफ भी हो जाएंगे सी। बट इसका एक नुकसान ये है कि रोड एकदम कीचड़ से भर जाती है, और फिर निकलने में का मन नहीं करता है क्योंकि फिर यह चिक 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 किच 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 होने लगता है ना। अब मजबूरी यही है कि घर में फंसे रहना है, कहीं निकल नहीं सकते, निकल तो घर वैसे भी नहीं सकते थे, लॉकडाउन चल रहा है, सब लोग लॉक हैं अपने अपने जगह पर। बहरहाल जो है जैसा है यही है, आप भी मजे लीजिए। सो गाइस, शाम की चाय डन, रोज़ा खुल गया, नमाज पढ़ लिया है, चाय की बारी थी, ये देख लो आप, चाय पियेंगे, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि आज दिन भर ऑफिस का काम था, वर्क फ्रॉम होम था, तो वो किया। और टिल दिन आप लोग इतना कीजिएगा कि आप लोग ब्लॉग देखिए, इंजॉय कीजिए, जिसको पसंद आए
लाइक कीजिए, नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। टिल देन लव यू, बाय बाय, गुड नाइट।